बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का हमारा आईकॉम पार्ट वन का लेक्चर नंबर 5 जर्नल का हमारा चैप्टर है। तो 4 क्वेश्चन इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं और इसके बाद आज हमारा 5वां क्वेश्चन है। तो पहली एंट्री है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन 2016। अप्रैल 1 को एंट्री पास हो रही है, फरवरी 1 को एंट्री पास हो रही है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट और उसके साथ ही कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट हमें दी हुई है 2 लाख रुपये, 2 लाख से ही इसको डेबिट कर देंगे और 2 लाख से ही कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। साथ ही इसकी नीचे छोटी सी नोटेशन भी दे देंगे कि ये हमारा कैपिटल अकाउंट है जो हमने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। इसके साथ ही अब फरवरी 4 को हमने एक और एंट्री पास की थी, परचेज गुड्स फ्रॉम ए। हमने चीज़ें परचेज की थी ए अकाउंट से, तो ए अकाउंट से चीज़ें परचेज की हैं तो ए अकाउंट से चीज़ें चली गई हैं, तो परचेजेस हमेशा हमारे पास डेबिट होती हैं। हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट और ए अकाउंट क्रेडिट, ए से हमारे पास से चीज़ें चली गई हैं। और पैसे हमने लिख देने हैं 80,000 और 80,000 हमने लिख देने हैं क्रेडिट पे, और नरेशन हमने लिख देनी है यहाँ पे परचेज गुड्स अच्छा। उसके बाद एंट्री नंबर 3 है मेरे पास 10 फरवरी को जो हो रही है, 10 फरवरी, और एंट्री है सोल्ड गुड्स टू बी। बी को हमने चीज़ें सोल्ड की हैं, तो जब हम चीज़ें सोल्ड करते हैं तो सेल हमेशा हमारे पास क्रेडिट होती है, तो बी को चीज़ें सोल्ड की हैं तो बी के पास चीज़ें आ गई हैं, बी अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा। और इसके पैसे हैं मेरे पास 90,000 डेबिट और 90,000 ही क्रेडिट। तो नरेशन इसकी सोल्ड गुड्स अच्छा। इसके बाद एंट्री नंबर 4 हमारी आ रही है 18 फरवरी को। एंट्री में वो पूछ रहा है कि पेड कैश टू ए, ए को कैश पेड किया है, तो जब भी पेड का लफ्ज़ आएगा तो उसके उलट की चीज़ होती है उसको हम डेबिट कर दे, तो इसका मतलब है ए को हमने पेड किया है तो ए अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश को हम डेबिट क्रेडिट कर देंगे और ए अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और पैसे हैं मेरे पास 70,000 और 70,000 से ही इसको क्रेडिट करके, और इस जगह पे हम लास्ट में छोटी सी नरेशन लिख देंगे कि हमने पेड कैश किया है, पेड कैश, कैश हमने अदा कर दी। और इसके बाद हमारी जो लास्ट एंट्री आ रही है 24 फरवरी को, वो है रिसीव कैश फ्रॉम बी, बी से हमने कैश रिसीव किया है, तो बी से कैश चला गया तो कैश अब हमारे पास है, तो कैश अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट। और पैसे जो हमने रिसीव किए हैं वो किए हैं हमने 80,000, 80,000 से ही एंट्री डेबिट और 80,000 से ही एंट्री क्रेडिट। और आखिर में इसकी भी नरेशन कि हमने रिसीव कैश किया, तो आखिर में नरेशन में लिखेंगे रिसीव कैश। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 5वां क्वेश्चन और इसकी 5 एंट्रियाँ। सबसे पहली एंट्री हमने कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट पास की थी जिसकी अमाउंट थी 2 लाख रुपये। उसके बाद उसी को आगे लेके चल के 4 फरवरी को हमने परचेजेज अकाउंट टू ए अकाउंट हमने चीज़ें परचेज की थी। तीसरी एंट्री में हमने चीज़ें वापस सोल्ड कर दी थी। चौथी एंट्री में हमने उसी के कैश अदा किए थे और 5वीं एंट्री में हमने कैश बी से रिसीव किया था। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का आईकॉम पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 5 और इसका 5वां क्वेश्चन था। इसी तरह की मजीद अकाउंटिंग की और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल इंस्पायर एजुकेशन 001 को सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत शुक्रिया।